गाइस, दिस इज इशिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही चटपटी एंड डिलीशियस रेसिपी बनाने वाली। आज मैं बना रही हूँ रगड़ा पेटिस स्ट्रीट स्टाइल में। सबसे पहले हम इसकी चटनी बनाएंगे, जो मीठी चटनी बनती है। चलिए चटनी की तैयारी कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लेंगे 100 ग्राम के लगभग सीडलेस खजूर। इसके सारे बीज हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 50 ग्राम के लगभग इमली। हम भिगोएंगे, उसके बाद इसके सीड्स को हटा लेंगे। सो दोस्तों, दोनों को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। पहले हम इसे सोख होने के लिए छोड़ देंगे। ऊपर से मैं थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे 30 मिनट के लगभग छोड़ दूंगी। सो दोस्तों, 30 मिनट के बाद आप देखोगे कि ये इमली और खजूर पानी में फूल चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इमली के बीज को हटा लेना है। मैंने पहले ही इमली के बीज को सारे हटा लिए हैं। सो दोस्तों, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में डालकर। सो फ्रेंड्स, हम इसे अब ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद इसे हम एक छलनी में छान लेंगे, ताकि इमली के जो रेशे है वो अलग हो जाए। सो दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, काफ़ी गाढ़ी है, क्योंकि हमने ऊपर से बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था। एक छलनी लेकर के इसे हम छान लेंगे। सो दोस्तों, इस तरीके से छलनी में डालने के बाद हमें कुछ स्पैचुला लेकर के इसे इस तरीके से हिलाना है, ताकि जो पतले वाले जो चटनी है वो नीचे बर्तन में आ जाए और इसके रेशे ऊपर रह जाए। सो लास्ट में ये रेशे बचे हैं दोस्तों, इसे हम फेंक देंगे। सो इसका सारा रस हमने निकाल लिया है। सो दोस्तों, ये बिल्कुल परफेक्ट है, ये बिल्कुल अच्छे से निकल गया है सारा इसका रस। हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 700 ग्राम के लगभग गुड़। सो दोस्तों, फिर हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैंने लिया है 1 चम्मच के लगभग, और फिर 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच जीरा का पाउडर। सो दोस्तों, यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, लगभग 1/2 लीटर के जितना पानी ऐड कर दें। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लें मसालों को। जब हम इसे मिक्स कर लेंगे तो फिर इसका फ्लेम हम ऑन कर देंगे। सो पहले हमें इसे हाई फ्लेम में चलाना है, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम में हमें इसे बहुत देर तक पकाना है। फ्रेंड्स, बहुत देर तक पकाने से क्या होगा, बहुत ही बढ़िया कलर आता है, बहुत डार्क कलर, एंड इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़िया निकलता है। चटनी की जो क्वांटिटी है वो 1/4 जब तक नहीं हो जाती है बर्तन के, तब तक हम इसका फ्लेम ऑफ नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, चटनी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है, सो ये बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, अब हम चलते हैं रगड़ा बनाने की तरफ। और मैं ले रही हूँ मटर, जिसे मैंने रात भर भिगोकर छोड़ा था। सो फ्रेंड्स, मैंने इसे 8 घंटे के लगभग छोड़ा था फूलने के लिए। सो अब हम इसे प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने पानी बहुत ही कम लिया है, इसमें पानी ज़्यादा ना दे, बस जितना मटर डूब जाए उतने ही भर पानी दे। फिर हम इसमें हल्दी का पाउडर डाल देंगे। और स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लेंगे इसे हम। सो दोस्तों, यहाँ पर हमें और कुछ भी मसाले ऐड नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा हमें इसे कुक होने के लिए चढ़ा देना है। सो 2 सीटी जब तक कुकर में आती है तब तक ये हो जाती है। तो जैसा कि देख सकते हो, मटर जो है वो 80% हो चुका है। सो अब हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल कर मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, इसका फ्लेम हम ऑन कर देंगे मीडियम फ्लेम पर, और पोटैटो मैशर से हम इसे मैश कर लेंगे। सो दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम मटर को अच्छे से मैश कर पाए।
से इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। हमें इतना में ही इसका फ्लेम को ऑफ कर देना है। दोस्तों ये ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। सो जैसा कि आप देख सकते हो मटर जो है वो बहुत अच्छे से खुल गई है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया को डाल देंगे। दोस्तों रगड़े में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हम इसे साइड पे रख दें। अब हम इसकी टिक्की को बना लेंगे। सो दोस्तों टिक्की बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लें, फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैश पोटैटोस। इसे हमें थोड़ी देर फ्राई करना है। ऊपर से मैं थोड़ा डाल रही हूँ हरी मिर्च। आप अगर तीखा ज़्यादा पसंद नहीं करते हो तो आप ना भी ऐड करें। फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। तो दोस्तों टिक्की में ज़्यादा नमक का इस्तेमाल ना करें क्योंकि हमने रगड़े में भी नमक को ऐड किया। अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल दे रही हूँ ऊपर से। तो दोस्तों अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल ले रही हूँ ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद हम इसका टिक्की को बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इसका एक हमें बॉल बनाना है और इसे हमें हाथों से थोड़ा दाब देना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो दोस्तों टिक्की बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे टिक्की को बना लिए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है। अब हम इसमें टिक्की को ऐड कर देंगे और फिर इसे हम फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप चार्ट में देखते होंगे कि टिक्की बिल्कुल रेड होती है दोनों साइड से, तो हम बिल्कुल सेम यहाँ पर टिक्की को उतना ही फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स ये जो रगड़ा पेटी से ये बिल्कुल मुंबई की स्ट्रीट स्टाइल में बना रही हूँ, वो लोग भी बिल्कुल इस तरीके से बनाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ट्रस्ट मी गाइस ये वाली रेसिपी बहुत बढ़िया बनने वाली है। तो दोस्तों हमारा रगड़ा पेटिस बिल्कुल तैयार हो चुका है। सो अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं। दोस्तों इसको सर्व करने का बिल्कुल अलग तरीका है। सो हमें इसे बिल्कुल इस तरीके से सर्व करना है, बिल्कुल इसे सजाकर सर्व करने से और ज़्यादा टेस्टी लगता है। सो दोस्तों रगड़े के ऊपर हम टिक्की को ऐड कर देते हैं और उसके ऊपर और रगड़ा डालकर फिर मसाले डालकर इसे हम सर्व कर देंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी चटनी। इसकी रेसिपी मैं पहले ही अपनी वीडियो पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हो हरी चटनी की रेसिपी। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मीठी चटनी जो हमने अभी अभी बनाया है, खजूर और गुड़ और इमली की चटनी। दोस्तों इस तरीके से आप सर्व कर सकते हो रगड़ा पेटीज बिल्कुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल में। होप यू लाइक माई वीडियो।